क्या दोस्तों, सचमुच 3 महीने के बाद हमारे YouTube चैनल पे जो कॉपीराइट आई वो क्या ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है या नहीं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो मेरे एक ये म्यूजिक चैनल है वहाँ पे मुझे कॉपीराइट क्लेम मिली थी। हालांकि आज जो 5 जनवरी है, 5 जनवरी को मैंने ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप डेट देख सकते हैं फ्राइडे यानी 5 जनवरी, और एक्सपायर डेट वो कॉपीराइट क्लेम की है 6 जनवरी, सॉरी 5 जनवरी ये है। और रात को मैंने अभी शूट किया, ये 2 PM का वीडियो है और रात के 12 बजे वो कॉपीराइट क्लेम एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल पे जाके हम आपको बता देते हैं वो डेट और किस वजह से कॉपीराइट क्लेम आया था और कौन सी तारीख को आया था। तो ये देखिए मेरी म्यूजिक चैनल है, HD म्यूजिक चैनल है जिस पर मेरी कॉपीराइट क्लेम आई हुई थी। हालांकि ये चैनल जब मैंने क्रिएट किया था तभी फर्स्ट वीडियो बना डाल दिया था मैंने क्रिकेट का, तो उस क्रिकेट के वीडियो से वजह से BCCI के ऑनर ने मुझे कॉपीराइट क्लेम भेज दिया था। तो उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चैनल बनाया था, मुझे पता ही नहीं था कि कॉपीराइट होता क्या है। उसकी वजह से मेरा मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो चुका था, तो उसकी वजह से ये देखिए रिलेटेड वीडियो मैंने कर दिया, लेकिन कॉपीराइट टेकडाउन रिक्वेस्ट रिमूव बाय वॉर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट और अक्टूबर 7, 2017 को आया हुआ था और जनवरी 5, 2018 को मेरी एक्सपायर डेट है यानी कि आज। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारे सचमुच कॉपीराइट जो क्लेम आई हुई है आज डेट है, क्या वो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक रिमूव होती है या नहीं, वो हम आपको आगे वीडियो बताने जा रहे हैं। हालांकि आज अभी मैंने 2 PM को ये वीडियो शूट किया है, तो मैं आज रात को देख के कल वापस दूसरा वीडियो उसके पीछे ज्वाइन कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे मैंने आज वीडियो शूट किया करना चाहा, लेकिन जैसे मैंने देखा तो कॉपीराइट क्लेम अभी भी मेरी रिमूव नहीं हुई है। आज 5 जनवरी के 12 यानी कि 6 जनवरी आज हो चुकी है और ये देखिए सुबह का स्क्रीनशॉट है, 8:19 AM का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। 5 जनवरी हो चुकी है फिर भी मेरी कॉपीराइट क्लेम अभी तक रिमूव नहीं हुई है, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है यार। फिर भी मैंने सोचा एक दिन और वेटिंग कर लेता हूँ, तो मैंने 3 बजे तक वेटिंग किया। आज जो 6 जनवरी है 3 बजे तक वेटिंग किया, फिर भी मेरी कॉपीराइट क्लेम हटी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ईमेल ही कर देता हूँ यूट्यूब को, तो मैंने एक ईमेल किया जो copyright@youtube.com पे हमें एक ईमेल करना होता है। अब वीडियो शूट करके आपको दिखाते हैं आखिर ईमेल कैसे किया और कौन सा क्या करना है। ओके, तो मैं आप मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको बता देता हूँ कौन सा ईमेल करना है और कैसे करना है। तो चलते हैं ईमेल में और ये देखिए मैं आपको एक मिनट देख कर लेता हूँ, और सेंड में जाते हैं और ये मैंने ईमेल किया है आप देख सकते हैं, और ये ईमेल मैंने किया है और मेरी YouTube चैनल से और copyright@youtube.com पे, और डेट भी आप देख लीजिए January 6, 2018 और टाइम भी देख लीजिए 3:22 PM यानी कि 3 बजे तक मैंने वेटिंग किया था, उसके बाद मैंने मेल किया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो सर, एक्सपायर्ड डेट 5 जनवरी 2018 बट देन आफ्टर एक्सपायर माई कॉपीराइट प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद मैंने जो वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी एक्सपायर डेट के बाद भी कॉपीराइट दिखा रहे वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो उसके बाद वह यूट्यूब की तरफ से यही ईमेल आया, आप इस पर भी देख सकते हैं, ये ईमेल मुझे मिला और मैंने वेट किया तो कम से कम 10 मिनट तक वेट किया इस ईमेल के बाद। तो जैसे मैंने वेट किया तो मुझे हालांकि कोई और मेल मिला नहीं कि आपका कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, ऐसे वैसे कुछ मेल मिला नहीं, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जाके मैंने चेक किया तो वहाँ पर मुझे एक खुशी की जो बात है वो मुझे देखने को मिलती। हालांकि मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुका है उस कॉपीराइट क्लेम वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके लिए मैं अप्लाई कब करने वाला हूँ। लेकिन मेरी जो कॉपीराइट क्लेम हट गई वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेन कॉपीराइट क्लेम की वजह से ना तो हम मोनेटाइज इनेबल कर पाते हैं और उसकी वजह से हमें वेटिंग करनी पड़ती है। तो 3 महीने के बाद आखिरकार मेरा कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम चैनल पर जाके मैं आपको दिखा रहता हूँ आखिरकार मेरा कॉपीराइट क्लेम हट चुका है या नहीं। तो चलते हैं, हम यहाँ पे जाने के बाद हमें क्रिएटर स्टूडियो में जाना है और राइट साइड में आपको सेटिंग ऑप्शन उन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको मैं जैसे पहले आपको बताया प्रीडेशनल फीचर्स में जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉपीराइट क्लेम हट चुका है आज मेरा 3:22 के बाद यानी कि 3:30 बजे के बाद मेरा कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। हालांकि मोनेटाइजेशन अभी डिसेबल है, तो उनके लिए मैं अभी अप्रूव करने जा रहा हूँ और उसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, और
डिसेबल है तो वो इनेबल तो हो ही जाएगा क्योंकि मेरे कॉपीराइट क्लेम अभी हटा है, तो कोई बात नहीं ये हो जाएगा। लेकिन आपका भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक दिन वेटिंग और कीजिए, एक्सपायर डेट की एक दिन और वेटिंग कीजिए। अगर वहाँ पर नहीं होता तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें मेल की। तो ये मेल का फॉलोअप करेंगे तो आपको 10-15 मिनट में एक्सपायर्ड आपकी जो कॉपीराइट क्लेम वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी एक स्टेप जो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगे, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।